गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रेड रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं 14 फेरे मूवी के रिव्यू के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मूवी की शुरुआत होती है कॉलेज लाइफ से। हमारे विक्रांत मैसी इस फिल्म में एक कॉलेज स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर में, जो यहाँ पे स्टडी करने आए हुए हैं। लेकिन इनके सीनियर इन्हें छेड़ते हैं, इन्हें परेशान करते हैं और कहते हैं कि ये अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की को जाकर प्रपोज करें। लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तो उस खूबसूरत लड़की यानी कि कृति खरबंदा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि जब भी तुम मुझे मिलो मुझे कान पकड़ के सॉरी बोलोगे। और फिर वो ऐसा ही करते हैं, जब भी उनसे मिलते हैं वो कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद वो उनसे अकेले में बात कर, तो फिर हमारे एक्टर विक्रांत मैसी कृति खरबंदा को अकेले में बात करके उन्हें प्रपोज करते हैं। और इस बीच इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत बढ़ जाती है और ये अब बात छेड़ते हैं कि हम शादी करने वाले हैं। अब शादी करने के लिए इन्हें अपने परिवारों से मिलना होता है, लेकिन और इनके दोनों के परिवार शादी के लिए नहीं मानते हैं। और फिर ये दोनों सोचते हैं कि हम अब शादी खुद से करेंगे, अकेले में जाके करेंगे और शादी ये भागकर शादी करने का प्रण करते हैं। ये दोनों इनके पास आते हैं और इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके पिताजी का रोल निभाएं, इनके पिताजी बनकर इनकी शादी करवाएं। तो ये पूछते हैं कि पत्नी कौन बनेगी, तो हमारे इस फिल्म में इनकी माँ बनती है इन दोनों की, हमारी हीरोइन। तो अब फिल्म में और मज़ा आने वाला है। एक बेहद ही परफॉर्मर डांसर है जो डांस करती हैं, वो इनकी माँ बनती है इनके कहने पर। लेकिन ये काफ़ी अच्छा रोल निभा लेती हैं, इनकी माँ बनकर उनकी शादी करवाती हैं। काफ़ी भाग दौड़ के बाद इनकी शादी हो जाती है, लेकिन ये अपने परिवार से दूर रहते हैं। और इस बीच जब इनकी शादी हो जाती है तो फिल्म में एक क्लाइमैक्स आता है। फिर इनकी शादी के बीच में अड़चने आती हैं और शादी के बीच में काफ़ी झगड़े भी होते हैं जो पर्सनली होते रहते हैं। और फिर आगे मज़ा आने वाला है, आप देखना।